शारीरिक अक्षमता, विकलांगता, अपाहिज, निर्भर, असक्षम, ये सब शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में सहानुभूति की भावना आ जाती है। लेकिन उनसे पूछिए जिनके जीवन में इस तरह की अनहोनी हुई है, वो कैसा महसूस करते हैं। हम इन लोगों को सहानुभूति तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें अपने बराबर का दर्जा नहीं देते। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी अपंगता के लिए आम समाज से अलग थलग रहते हैं और इसी के चलते कुछ लोगों में हीन भावना भी आ जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों में, क्योंकि कुछ ऐसे स्वावलंबी लोग भी होते हैं जो विकलांगता को विकलांगता ना मानकर उसे अपनी सबसे बड़ी क्षमता मानते हैं। कहते हैं कि ईश्वर अगर आपसे कुछ छीनता है तो बदले में आपको उसका दुगना देता है। यही विकलांगता से लड़ रहे लोगों के साथ भी है। किसी कारणवश ईश्वर उन्हें किसी तरह विकलांग बनाता है तो उन्हें कोई ना कोई ऐसी खास क्षमता, कैपेबिलिटी देता है जो आम लोगों में भी नहीं होती, और वो क्षमता उन्हें अपने अंदर ढूंढनी होती है, और अपने अंदर ये क्षमता ढूंढी राजेंद्र सिंह रहेलू ने। शायद नाम ना सुना हो, क्योंकि ये क्रिकेटर या फिल्मी हीरो नहीं, बल्कि इनसे भी ऊपर हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ हीरो हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे राजेंद्र सिंह राहेलू कभी अपने पैरों पर चल नहीं सके, क्योंकि उन्हें बचपन में महज 8 महीनों की उम्र में पोलियो हो गया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके पैर इतने कमजोर हैं कि वह जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, वह 185 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। राजेंद्र सिंह राहेलू यह कारनामा दिखा चुके हैं। उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में हैवी वेट पावर लिफ्टिंग में 185 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है। राजेंद्र सिंह रहेलू उन लोगों के लिए तो प्रेरणा है ही जो शारीरिक असक्षमता से पीड़ित हैं, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो सक्षम हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने का मादा नहीं। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है दोस्तों। 22 जुलाई 1973 को जन्मे राजेंद्र को 8 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था। उनका बचपन गरीबी और विकलांगता से लड़ने में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 1996 में उन्होंने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर वेट लिफ्टिंग में करियर बनाने की सोची। वे प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई साइकिल पर जाते थे, जहां ट्राई साइकिल नहीं ले जा सकते थे वहां वे अपने हाथों से चलकर जाते थे। कई मुसीबतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली। राजेंद्र अपनी मेहनत से पावर लिफ्टिंग में कामयाब होते गए। सन 2004 में उन्होंने 56 किलोग्राम वर्ग में एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2008 और 2012 के पैरा ओलंपिक खेलों में पावर लिफ्टिंग खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया। 2012 के पैरा ओलंपिक खेलों में वो 175 किलोग्राम वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों से चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके 185 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया, और आज वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, इंस्पिरेशन हैं। आज वे एक कोच के रूप में युवाओं एवं असक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वे एक सच्चे हीरो हैं। उनके जैसे लोग हमारे लिए हर रोज एक नई आशा की किरण लेकर आते हैं, जो ये साबित करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, राजेंद्र सिंह जैसे लोगों ने यह साबित किया है कि कुछ असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जीवन में नामुमकिन शब्द है ही नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप में हिम्मत है कुछ कर दिखाने की, तो फिर आपकी मदद ईश्वर भी करता है। हिम्मत, जुनून, हौसला, आक्रामकता हम सब में होती है, ये विकलांगता या निपुणता नहीं देखती। इसलिए हम सब वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। नामुमकिन दोस्तों कुछ भी नहीं। अगर राजेंद्र सिंह रहेलू ये कर सकते हैं, एवरेस्ट की पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ये कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, आपकी विल पावर आपको सफलता दिला सकती है। अगर आप सफलता पाने को तत्पर हैं, तो बस मन में ठानिए जो पाना चाहते हैं और उसके क्रियान्वयन में जुट जाइए। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये वीडियो आप अपने कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको व्हाट्सएप पर चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कीजिए, जिससे आपको मोटिवेशनल डोज डेली बेसिस पर मिलती रहे। नमस्ते।